अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से काफ़ी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ भी होंगे खैर खैर सुने। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया, काफ़ी लोगों को पता है मेरी तबीयत ठीक थी और मैंने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पे, शायद जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। परसों रात से मेरी तबीयत अभी थोड़ा सा फिलहाल थोड़ा सा पेन कम है, बहुत ज़्यादा मेरा मुझे पेन था, अभी है अभी भी है बट थोड़ा कम है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आंटी जी के बारे में हम जो है चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले आंटी जी का जो है, मैंने सोचा बहुत ब्लॉग 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 हो गया, ब्लॉग बहुत सारे लोग देखते हैं बट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, तो आंटी जी ने इंस्टाग्राम पर क्या डाला क्या नहीं डाला थोड़ा उनको भी दिखाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दादा हम वहाँ बेटा थक गए थे कि आज हमने सोचा कि हम मॉल जाएंगे और वहाँ खाएंगे KFC। तो हम पहुँचे मॉल, सबसे पहले अमीन को बोले कि टिकट मुझे दे क्योंकि मैं बहुत बार वहाँ पहले से भर चुकी हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी मिले माशाल्लाह, मुझे अच्छा लगा उनके साथ सेल्फी लेके। और जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो डिसाइड कर रहे थे कि कितना खाएंगे, तो मैंने मम्मी को पूछा कितने पीस लाओगी एसी से, मैंने झट से बोली 8 पीस। ये बदमाश ने फिर 4 पीस मुझे बड़े बड़े सामने रख दिए और इसको पता है कि मैं 4 पीस इतने बड़े खा नहीं सकती, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने 4 बोली पर 3 तो जरूर खाऊंगी। और ये थी मम्मी की सबसे पहले चीटिंग, 4 बोल के लाए और अभी 3 बोल दिए। पर मैं खाती तो 1 पीस, 3 भी मेरे लिए तो बहुत है और हमेशा आयु खुश होते हैं कि मैं थोड़ा ज्यादा खाऊ ज्यादा खाऊ। तो मैंने माइंड में ये बनाया था कि मैं अगर 2 पीस भी खा ली तो आयुब देखकर बहुत खुश होंगे। 3 की जगह खाया 2 और 1 को कर लिया मैंने पार्सल। और ये मम्मी की थी दूसरी चीटिंग, 1 की जगह 2 तो खाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो मुझे प्यार करते मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, ये देखकर भी बहुत खुश हुए। आज मम्मी ने अपना न्यू हाई स्कोर बनाया। तो आंटी जी जो है हमारी हमेशा अहम फैसला लेती है, अहम फैसला जो होता है उनकी वैलिडिटी 1 दिन का होता है, जिस दिन अहम फैसला लेती है उसी दिन वो फैसलों पर कायम रहती है, बाकी जैसे दिन खत्म हो गया तो दूसरे दिन के ब्लॉग में वो अहम फैसला भी दिखाई नहीं देता है। जैसे कि लेटेस्ट ब्लॉग में आपने देखा था मॉर्निंग में जो है वो वर्कआउट एक्सरसाइज करते हुए अपना पेट काला काला जो जो नहीं रहता वो हमारे पानी का जो ड्रम रहता है काला कलर का सिंटेक्स का ड्रम, तो अपना ड्रम जैसे सिंटेक्स का काला काला पेट दिखा के एक्सरसाइज करने का भी अहम फैसला उसका 1 दिन का ही था, दूसरे दिन जैसे कि वैसी होगी। तो अहम फैसला लेके भी आंटी जी का व्यूज़ नहीं भरा, फैमिली फैमिली करके भी आंटी जी का व्यूज़ नहीं भरा। आंटी जी का व्यूज़ जो वो बढ़ने का ना बढ़ने का कारण ये भी है कि बहुत पब्लिक को चू बना चुकी है, लेकिन क्या होता है ना, तो 100 सुनार की तो एक लोहार की बोलते हैं ना, चोरी जो होती है वो 1 दिन पकड़ी जाती है, तो वो कितनी रियल है और कितनी फेक है वो पब्लिक को समझ में आ ही चुका है, इसलिए उनका जो व्यूज़ है वो कम हो चुका है। अब आते हैं आंटी जी के हाई स्कोर के बारे में। आंटी जी ने जो है कल हाई स्कोर लिया है, वैसे तो आंटी जी बहुत कुछ हाई ही लेती है, आंटी जी का तो हाई का क्या ही कहना है। तो आंटी जी गई मॉल, मिनी ब्लॉग में बस यही दिखाया कैसे मॉल जाया जाता है और कैसे KFC का चिकन खाया जाता है। तो आंटी जी मिनी ब्लॉग जो है ना वो कैसे बनाया जाता है आंटी जी नहीं बोलूँगी, मैं इच्छाधारी नागिन बोलूँगी, क्योंकि कलर्स TV में जो नागिन सीरियल आता है ना एकता कपूर का, उसमें नागिन भी इतना रूप नहीं बदलती जितना हमारी जो है ये बुढ़िया आंटी जी वो बदलती है। नागिन भी शायद होता है ना कि 2-3 एपिसोड के बाद या 2 एपिसोड के बाद भी एक बार रूप बदलती है, लेकिन ये तो 1 ही एपिसोड में मतलब उसके 1 ही ब्लॉग में वो कई बार रूप बदल लेती है, तो इसको मैं इच्छाधारी नागिन ही कहूंगी। तो हमारी इच्छाधारी नागिन जो आंटी जी है वो गई मॉल में और उन्होंने जो टिकट जो है वो अपने हाथ में इसलिए ले लिया क्योंकि आंटी जी को फाइन देना पड़ा, और आंटी जी बोल रही थी कि बहुत सारे फैंस जो है आंटी जी को मिले, तो फैंस बहुत सारे आंटी जी को मिले लेकिन दिखाई दी 1 ही स्टाफ है। अब वो भी खुद से फ़ोटो लेने आई या फिर भाई, एक बात ये है कि भाई अगर कोई फ़ैन अगर फ़ोटो खिंचवाने तुम्हारे साथ आ रही है तो तुम्हारे साथ वो वीडियो में कैसे शूट करी है, अगर तुम्हारा बेटा उसके फ़ोन से तुम्हारा उसका जो है फ़ोटो खींच रहा है तो शूट कौन कर रहा है, दोनों हाथों से एक हाथ से फ़ोटो खींच रहा है एक हाथ से शूट कर रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि तुमने उसको बुला के लाया कि आप 2 मिनट के लिए हमारे ब्लॉग में आ जाइए और दिखाई एक इंसान को बोली फैंस। तो आंटी जी तुम जो है ना ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर में ना डिफरेंस क्या है ना वो पहले अच्छे से सीख लो, मैंने तुमको कितनी बार बोला स्पोकन इंग्लिश में क्लासेस पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश जो है ना वो तुम जितना भी बोलने की कोशिश कर लो लेकिन वो सुधरने वाली तो है नहीं, पता नहीं कौन से ऑक्सफोर्ड या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तुम पढ़ के आई हो, रियान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ने का तुम दावा करते हो लेकिन तुम्हारे इंग्लिश सुन के लगता है कि जो बस्ती के जो बच्चे होते हैं ना वो भी अच्छे इंग्लिश बोलते हैं तुमसे ज़्यादा। खैर चलिए आगे के ब्लॉग में बात करते हैं। तो आंटी जी ने दिखाया कि मैं तो हमेशा 1 पीस खाती हूँ, आज 2 पीस खा रही हूँ, मैंने 4 पीस बोला था, तो एक बार तुम मुझे ये बताओ बुढ़िया
आंटी जी बोली कहीं मन नहीं करता, तू एक पीस खाए या फिर तू दो पीस खाए या तीन पीस खाए या फिर तू पूरा डब्बा ही खा ले, हमको क्या, ये ब्लॉग में बताने की क्या ज़रूरत है। बहुत नवल का बंडी का तेरा जो पिछवाड़ा है ना, वो टैंकर जैसा पिछवाड़ा, रूल जैसा बॉडी, वो देख के समझ में आ रहा है कि तू कितना खाते कितना नहीं खाते। यूजुअली जो मोटे लोग होते हैं ना, जो नेचुरली उनका बॉडी का जो होता है ना वो गठन ऐसा होता है, उनकी बॉडी देख के समझ में आती है कि वो जो है ना वो गठन ही ऐसा है। लेकिन तेरा जो मोटापा है ना, तेरा रोड रोलर जैसा जो बॉडी है ना नीचे का बहुत ज़्यादा, वो दिख के समझ में आता है। तो तू सिर्फ चकती है या फिर गमला गमला भर के खाती है, तो एक पीस खा, तो दो पीस खा या तीन पीस खा या फिर तू मत खा, हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको काय को सुना रही भाई तू ब्लॉग में। अयूब अयूब बोल के अयूब को खींचे, अयूब तो तुझे घास भी नहीं डालता, और अयूब ने तो तुझे अनफॉलो भी कर दिया था। पता नहीं तूने मेरी ब्लॉग देखे बुड्ढे को कुछ बोला है कि नहीं बोला है, या फिर बुड्ढे के साथ तूने खिच खिच की होगी तब जाके बुड्ढे ने वापस से तुझे फॉलो किया। ऐसे तो मैंने स्क्रीनशॉट अपने वीडियो पे दिखा ही दिया था कि बुड्ढे ने तुम माँ बेटे तीनों को जो है अनफॉलो कर दिया था। तो खाली अयूब अयूब बोल के जो है ना अयूब को, तो लोगों को ये मत जता कि हम मैं और अयूब अभी भी साथ में है, हमारे ये है वो है। जिस दिन से तूने बुड्ढे के बेटे और दामाद को टोरी डालना स्टार्ट कर दिया था ना, उसी दिन से जो है ना बुड्ढा तेरे ऊपर से कट ऑफ हो गया। ये तो बाद में हम लोग को पता चला कि तू व्लॉग के थ्रू के तू बुड्ढा और बुड्ढे के दामाद और बुड्ढे के बेटे के ऊपर जो है तू डोरे डाल दिए। लेकिन बुड्ढे को तो पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि वो क्या होता है ना कि तेरे साथ रहते रहते बुड्ढे को भी तेरी हरकतें पता चल ही गई, और बुड्ढे ने वैसे भी आधे से ज़्यादा तेरी सच्चाई जो है वो सोशल मीडिया पर बोल ही दिया है कि नहीं। और तू ना KFC की जगह तू और तेरा जो बेटा है ना वो गू खा ले, मेरे हिसाब से तू गोबर खा ले, तो वो गोबर जो है ना सर पे जाके खाद बन के जो है ना थोड़ा बुद्धि जो है ना तुम लोगों का खुलेगा, क्योंकि तुम लोगों में जो है ना खाने का ना सलीका है ना जीने का खाने का ना तरीका, वो क्या सलीका और जीने का तरीका है। KFC का खाना खाने मॉल में गए और ऐसे भूखे नंगों के, तो एकदम परफेक्ट भूखे नंगों का कोई एक्सप्लेनेशन अगर कोई दे सकता है या फिर कोई एग्जाम्पल है तो वो तुम माँ बेटे दोनों, ऐसे ऐसे करके चिकन ले रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हिस्सा कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, कैसे खा रही है बाबा, और इतना सारा खा लिया और एक डब्बी में इतना सा छोटे सा चिकन का टुकड़ा दिखाने के लिए कि देखो मैं खाती नहीं हूँ, बहुत कम खाती हूँ, इतने बड़े बड़े तो पीसेस ली तूने, इतने बड़े बड़े एक पीस भी खा के हम जैसे लोगों का तो पेट भर जाए होल्डिंग के साथ, तूने इतने बड़े बड़े जो है दो दो पीसेस तूने खा ली। फिर बोलती मैं तो एक पीस ही खाती हूँ, और हाँ तो मैंने तो दो खा लिया। अयूब बहुत खुश हूँ, घंटा अयूब खुश होकर अयूब तो फ्री गिगोलो बुड्ढा है, गिगोलो बुड्ढा फ्री फोकट का फंड का खाने को आता है और तेरे को रात को मौज देता है, फिर भाग जाता है, फिर आता है फ्री फंड का खाता है, घूमता है, थोड़ा बहुत पैसे तेरे से हटता है, फिर भाग जाता है। क्या तो अयूब लगा रही, खुद का जो पति होता है ना उनके साथ बीवी का रिश्ता कैसा होता है ना, पहले अपने आसपास नज़र मार के देख। और इतनी तो अगर पैसे वाली है, इतनी अच्छी अच्छी जगह जाके खाती है, तो देखिए नहीं थी रिहाना आंटी के 25 लाख, रिहाना आंटी के 25 लाख डकार के बैठ गई, बुड्ढे को भी वापस बुला लिया, बुड्ढे को फैमिली के साथ हम साथ 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 खेला जा रहा था, तो जिसका 25 लाख 15 लाख सॉरी 15 लाख खा के बैठी है, अब तो ये बात इतना पुराना होगा कि 15 फिर 25 मुझे तो याद भी नहीं रहा, खा के बैठी उनको ही दे देती। और तो फैमिली करती है, बेटे को लेके जाके KFC और मैकडोनल्ड्स खाती है, फैमिली को क्यों नहीं लेके गई KFC मैकडोनल्ड्स और सबवे खिलाने, क्यों, वो तेरी फैमिली नहीं है, उनको तो प्यार नहीं करती। और KFC मैकडोनल्ड्स सबवे तेरी फेवरेट जगह नहीं है, फेवरेट जगह सिर्फ क्या वो क्या है, वो दरगाह ही है क्या, इतना साफ समुद्र पर इतना दूर उनको लेके गए दरगाह का खाना खिलाने, चलो दरगाह का खाना खिलाए, घूम फिर के आने के टाइम पर तो KFC या फिर सबवे या फिर मैकडोनल्ड्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन उनको क्या खिलाए, काला खट्टा गोला और ये वो जो सरक्षा चीज़ होती है वही तूने खिलाया, तो यही तू यही खिला सकती, क्योंकि तेरा जो अंतरात्मा तो शौक की दुकान है, तो एक दिन खा देती है तो तीन दिन तो डकार मारती, ये देखो मैंने बहू को ये दिया, ये देखो मैंने बेटे को ये दिया, असल में दिया है कि नहीं उसका भी कोई भरोसा है नहीं है, खुद को बोलती सॉरी ये आवाज़ आ रही है, यहाँ पे मोटर चलता रहता है आपसे तो ऐसे आवाज़ आती है, खिड़की खुली तब ज़्यादा आ रही, खुद को बोलती कि सेलिब्रिटी है और खाने का भी सलीका नहीं, जिधर जाती है हंसियों की तरह राक्षसों की तरह खाने को टूट पड़ती है, और खुद को बोलती है मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, अभी सेलिब्रिटी नहीं है तो पब्लिक फिगर नहीं है, तो न्यूड पब्लिक फिगर है, देख तेरी तरह मेरी भी इंग्लिश खराब हुई, तो न्यूड पब्लिक फिगर है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई के लिए जो है ना पहचान कमाते हैं, और तू जो है ना तो नंगाई के लिए पहचान कमाती है। सोशल मीडिया में वो पैसे कमाना अच्छी बात है, मेहनत करके कमाओ, ये ठुमके दिखा के मुजरा दिखा के अपना पुराना धंधा सोशल मीडिया में चला के पहले कोठे में बैठ के बारे में बैठ के करती थी, चलो बार में जितने भी शराबी जाते थे वो तेरे को देखते थे, अब तो सोशल मीडिया में अच्छे खासे घर के बच्चे भी तेरे ये सब जो नंगा बनती है वो देख रहे, सोशल मीडिया में तू मुजरा कर रही है, और तू तो खुद को सेलिब्रिटी मानते, सेलिब्रिटी लोग कौन सेलिब्रिटी को देखे ऐसा करते, अरे तो यूट्यूब से इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हुए जो बॉलीवुड में भी कदम रख चुके हैं, भुवन बा, माशिन चंचलानी, कैरी मिनाती और
और पता नहीं बहुत सारे ऐसे, उनका नाम भी मुझे याद नहीं आता, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर है जो यूट्यूब चैनल्स उन्होंने बॉलीवुड में क्या शोहरत भी कमाई थी। इतना लुच्ची और क्या बोलूँ मैं, लुक्की सेलिब्रिटी मैंने आज तक नहीं देखी। और कुछ जैसे लोगों को ना छपड़ी बोलते, चीप बोलते, सेलिब्रिटी नहीं बोलते। यूट्यूब में हो और तुमको एक दो लोग जानते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। तो सेलिब्रिटी होते ना फैंस के जो प्यार होते ना, मुझे सी चवन्नी, मैं चवन्नी छाप मैं यूट्यूबर में बोलूँगी, मेरे तो सिर्फ 5000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर है। फिर भी उस दिन मुझे एक मेरी बहन मिली, चांद रात के दिन, चांद रात के पहले दिन मुझे मेरी बहन मिली, मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था। इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। मैं मामूली से दो कौड़ी की औरत हूँ, मेरी कोई, मैं तो बोलती भाई मेरी कोई क्लास है, मैं एक मामूली सी औरत हूँ, फिर भी इतना प्यार दिया उसके हस्बैंड के सामने, इतना रेस्पेक्ट है। किराना दुकान में किराना वाला भी शॉक था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है, किसी को पता ही नहीं था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। उस किराना वाले की दुकान से मैं हमेशा उसकी दुकान से सामान लेती हूँ। फिर बाद में उसने पूछा कि बाजी आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है, जब उसको पता चला। और तुझे लोग कमेंट बॉक्स में इतनी गालियाँ देते, इतने गालियाँ देते, तेरी कमेंट बॉक्स खोल के देख और हमारे कमेंट बॉक्स खोल के देखें, हमको भी निगेटिव कमेंट्स आते हैं, एक या दो दिन में, एक या फिर दो, या फिर कभी कभार आते भी नहीं है, कभी कभार आते भी नहीं, और आते हैं तो कभी कभी एक या दो है। तेरे तो भर भर के सोशल मीडिया में हो, पैसा कमाना है, हम भी कमाते हैं या पैसे, तो ऐसा काम ही मत कर, हम बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि मुझे पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ, मुझे अभी ये केरला स्टोरी ये अभी रिलीज़ हुआ, उसके ऊपर से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता मैं हिंदू, उस शादी मेरी मुस्लिम पे से हुई है, तो लोग बोलते आपको केरला स्टोरी देखनी चाहिए, कि आपका आपके लाइफ से ही वो हो कि केरला स्टोरी बना है, कि ऐसा वैसा। हमको लोग ट्रोल करते हैं क्योंकि तुम जैसे लोग मुसलमान के नाम पे ऐसा गंदी हरकतें करते हो। मुझे मेरी जब लव स्टोरी और शादी की स्टोरी मैंने शेयर की, लोग इतने गंदे कमेंट कर रहे थे, तुम जैसे मुसलमानों की वजह से। तुम लोग तो प्रॉपर मुस्लिम भी नहीं हो, लेकिन खुद को मुस्लिम कह के हमारे रिलीजन का नाम खराब कर रहे हो। तुम जैसे लोगों की वजह से ना क्या होता है, पता है, अच्छे मुस्लिम का जो है ना, अच्छे मुस्लिम के करेक्टर के ऊपर भी ना लोग जज करने लग जाते हैं। तुम लोगों की वजह से, मुझे पता है इस्लाम में आने के लिए मैंने अपने कितने रिश्ते खोए हैं, मैंने अपने लाइफ के कितने अच्छे अच्छे मौके गवाए हैं, मैंने क्या क्या गवाया है। पर तुम जैसे मुस्लिम औरतों को ना, ये तू एक है और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम के नाम पे कलंक हो, एक मुस्लिम औरत का दायरा क्या था तुम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ऐसे काम ही मत करना, अपने दायरे में रहे। अरे फैशनेबल होना सिर्फ जीन्स और टी शर्ट या टॉप पहनने से, फटाफट जीन्स पहनने से फैशनेबल नहीं होता है। दुबई के, अरे एमिरेट्स की औरतों को देखो, दुबई की औरतों को देखो, वो लोग भी अबाया में भी कितने स्मार्ट लगते हैं, कितने स्टैंडर्ड लगते हैं। तो जैसे लुक की संरक्षा औरत क्या जाने फैशन का मतलब क्या होता है। और हम जैसे लोग देख, हम धूप में ही बैठ के काम करें, देखो देख रहे हो, देखो तुम लोग और दिखाते, ये देखो देख रहे हो, यहाँ तक धूप आ रही है। अब धूप में बैठ के बिना फैन के भी हम काम करते हैं, हम भी जवान हैं। हम चाहते हैं, हम इंस्टाग्राम पे मेरे हज़ार से ऊपर सब्सक्राइबर है, मैं भी चाहे ठुमके लगाना स्टार्ट कर दूँ पति को लेके, बगैर पति के। लेकिन ऐसे पैसों का कोई मतलब ही नहीं जिसमें इज्जत ना हो। लुक्की औरत नागिन, तू तो पल पल रूप बदलती है। इतना रूप तो एकता कपूर के नागिन सीरियल की जो नागिन का जो रोल करे ना, वो भी नहीं चेंज करते। तो बुड्ढी का इशारा चालू, बुड्ढा गया तो बुड्ढी का जो है ना गर्मी सर चढ़ के बोल रही है, इसका इशारा चालू हो गया। पुराना धंधा तो उसने बाहर में जाके डांस करना बंद कर दिया, लेकिन उसकी जो तरकीबें है ना, इशारे है ना, वो सोशल मीडिया में जो है ना दिखाना स्टार्ट कर दिया है। इशारा दिखा कर करके ना बुड्ढे लोग जितने भी है ना सोशल मीडिया में, एक आधा बुड्ढे को रिझा रही है और अपने पास बुला रही है कि आप बुड्ढे तू हुआ, अगला शिकार तू बन। क्योंकि अब तो मेरा बुड्ढा जो है, थैंकफुली आवाज़ बंद हुई, अब जो है मेरा बुड्ढा तो भाग गया है, अब दूसरों को रिझा रिझा के बुला रही है। अब उसका इशारा चलूगा हर एक वीडियो में, आप देखना हर एक वीडियो में उस पुराना जो हरकतें है ना वो दिखाएगी। पुराना धंधा छोड़ दिया बुढ़िया ने, लेकिन हरकतें दिखाना नहीं बात किया, हर वीडियो में ये सब करेगी। भाई डांस करना है तो डांस करना है, तुझे डांस ही करना है प्रॉपर, तो वैसे आराम से डांस करना, नहीं तो फ्लोर जो है ना वो जो है ना वो टूट के ना नीचे के फ्लोर वाले के घर के ऊपर चली जाएगी। तो आराम से डांस करना, डांस करना है, डांस करो। ये इशारा इशारा क्या दिखाना हो रहा है, ये सोशल मीडिया में बैठ के खुला मुजरा कर रही है, लोगों को जो है ना ये रिझा रिझा के बुला रही है। मतलब कि क्या वो एक बात होती है ना कि रस्सी जल गई पर बन नहीं गया। तो पुराना धंधा जो है ना बाहर में डांस करना जाके बंद कर दिया, लेकिन अब जो है ना डांस सोशल मीडिया में शुरू कर दिया आंटी जी ने। अब जो है ना तिलावत, तहज्जुद, नमाज, जहाँ नमाज, हज, उमरा, दुपट्टा, अब सब खत्म हो गया। अब इच्छादारी नागिन ने फिर अपने वापस से ना रूप बदल लिया और अपने पुराने वाले रूप में आ गई और गानों पे मुजरा करना जो है स्टार्ट कर दिया। और ये जो है ना तिलावत, मुजरा,
डांस ये वो सब, ये तो उसका एक एक्टिंग था सिंपैथी देने का, क्योंकि ब्रो नहीं था, अब उसको तो पब्लिक की सिंपैथी चाहिए था, अबला नारी बेचारी बनना था, तो ये अबला नारी बुड्ढे के सर के ऊपर तबला बजा बजा के जितना भी सिंपैथी लेना था बुढ़िया ने ले लिया। अब पुराने रूप में बुढ़िया वापस आ चुकी है, अपना रंग जो है, अपना रूप जो इच्छाराज नागिन ने बदल लिया है। बुड्ढे को लगता है ऐसे नाचने से, थिमकाने से, ऐसे जवान लड़कियों की तरह कपड़े पहनने से बुड्ढी जो है ना जवान दिखेगी। तो तू मुझे ये बता बुढ़िया, तो कपड़े पहन के थिरका के तो जवान तो तू बन जाएगी वैसे, लेकिन तेरा जो ये लटकता हुआ चमड़ी है और तेरे मुंह पे जितने रिंकल्स है उसका तो क्या करेगी बुढ़िया, उसको भी कम से कम इधर तेरे हाथों में इधर उधर जो है ना इंजेक्शन लगा ले, और देख किसी जो है ना डर्मेटोलॉजिस्ट को पकड़ पकड़ के तेरा पिछवाड़ा कम करने का और अगवाड़ा कम करने का एक आधा इंजेक्शन लगा, और अंदर से जितने भी हवा भरे है ना वो बाहर निकाल ले। क्योंकि क्या होता है ना कि तू कपड़े तो जवान लड़कियों की तरह पहन लेती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम फैमिलीज हैं ना जो आज भी घर के बहुओं को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करेगी। और तू तो माँ समान औरत है, तुझे तो ये लड़कियों के बारे में और बेटी के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तूने तो बेटा और दामाद पे ही डोरे डाल दिया। इसलिए तो फैमिली इस बार जो गई उसके बाद से ना वीडियो कॉल आया ना ऑडियो कॉल आया ना बुड्ढे का वीडियो कॉल आया ना बुड्ढे का ऑडियो कॉल आया, इससे समझ में आ रहा है वो लोग तेरे हरकत से कितना खुश है और कितना नाखुश है। और रशिया और अमीर का ब्रेकअप क्यों हुआ, कैसे और क्या रीज़न था जिसके और क्यों तू उससे बात नहीं कर रही थी, उसका तो मैं आज खुलासा करूँगी। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, दो बार फ़ोन आया तेरे ही रिलेटेड इंसान का, दो बार फ़ोन आया कि व्लॉग क्यों नहीं आया, क्या है क्या नहीं है, मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया था। तो उनसे मेरी बात हुई तो बातों में उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा अर्शिया को जो है उसने वीडियो में भी बोला था शादी की बात, ठीक है आप लोगों को याद होगा कि ये मेरी बहू बनेगी ऐसा वैसा, और अर्शिया का जो है रिएक्शन हमेशा कोल्ड ही रहा है उस टाइम पे, उसने टॉपिक जो चेंज कर दिया। तो बुढ़िया ने बोला कि अल्लाह ने चाहा तो उसने क्या किया, जब अर्शिया और अमीन लिव इन में गए थे, जहाँ तक उन्होंने बताया, बहुत बहुत ही खास बहुत ही क्लोज इंसान जो है, मैं उससे बात करती हूँ, ये मान लो सारा सत्ता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज इंसान से मैं बात करती हूँ। तो बात ऐसे ही उनके घर में, तो बुढ़िया ने बोला था, शायद बुढ़े के फैमिली ने बोला था कि अगर इतना ही वो है तो अर्शिया अमीन की शादी करा दो। तो बुढ़िया ने अर्शिया से बोला था अमीन से शादी करने की बात, लेकिन अर्शिया ने जो उसने बोला कि अभी मुझे कैरियर बनाना है, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे पास, ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए मेरे पास अभी जो है वो अभी शादी नहीं करेगी। जाहिर सी बात है आजकल के बच्चे हैं भाई, हम जैसे बेवकूफ़ चूतिया थोड़ी कम, प्यार कर लिया शादी कर लिया फ्यूचर नहीं देखा, कोई स्टेबिलिटी नहीं देखा, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। तो उसने ऐसा ऐसा बोला कि मेरा फ्यूचर है, मुझे कैरियर बनाना है ऐसा वैसा। तो इससे पहले भी सारा सत्तन ने दो बार ब्लॉग में बोला था कि मेरी बहू बनेगी ऐसा वैसा, लेकिन जब फाइनल बात हुई, जब सूरत वाले ने फैमिली ने बोला कि शादी करवा दो ऐसा है तो ये वो, क्योंकि वो लोग थोड़ा और जाहिर सी बात है लड़का और लड़की एक साथ सो रहे हैं घूम रहे हैं ये कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में वैसे भी जल्दी शादी हो जाती है, ज़्यादातर मुस्लिम जल्दी ही शादी हो जाती है। तो उसने शादी की बात छेड़ी तो अर्शिया ने बोला अभी नहीं, एक दो साल जाने दो, मुझे अभी कैरियर बनाना है ऐसा वैसा। तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा, क्योंकि बुढ़िया को क्या है ना, बेटा तो पहले लिव इन में रहता था, जैसे तैसे जो है बुढ़िया ने बेटे को थोड़ा बहुत अपने ओर खींचा, फिर अभी अगर बुढ़िया को लगा कि अब बेटे बहू की शादी करवा देंगे तो ये भी परमानेंट जो है मेरे गुलाम बन जाएगी, और बेटा तो गुलाम है ही, लेकिन अर्शिया को जो है फ्यूचर का चाहिए था, फ्यूचर सिक्योर करना था, जिसको लेके बुढ़ी और अर्शिया के बीच में जो है कलेश मची। उसके बाद से बुढ़ी ने जो है अमीन को अर्शिया से दूर करना स्टार्ट कर दिया कि ये अगर शादी नहीं करी तुमको तो तू काई को उसके साथ जा रहा है, काई को उसके साथ टाइम स्पेंड करना, पैसा खर्च करना ऐसा वैसा, क्योंकि बुढ़िया ने अर्शिया को स्टार्टिंग में आज से एक साल पहले बहुत सपोर्ट किया था, वो तो अभी जाके इतना उसको जो है प्रोजेक्ट्स मिल रहा है। स्टार्टिंग में जो है नथुनिया से पहले बुढ़िया ने अर्शिया को, ये सच बात है कि सपोर्ट करा था, बुढ़िया ने नहीं अमीन ने करा था, बुढ़िया से लेके तो सपोर्ट करा था। अब जब उसको शादी करने का बोला तो वो मुकर गई, क्योंकि उसको कैरियर बनाना था, जो कि लाजमी है भाई, बिना कैरियर के कोई भी बोलते ना कोई पर्सनैलिटी नहीं है। तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा, इसीलिए बुढ़िया ने भी अर्शिया से बात बंद कर दिया, बेटे का भी अर्शिया से ब्रेकअप करवा दिया। ये है मेन एकदम रियल खबर, एकदम ताज़ी खबर, और जो कि एकदम ही खास इंसान ने मुझे बताया है, एकदम ही खास इंसान ने। अब पहले क्या था ना, यूट्यूब में मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं करूँगी मैं, क्योंकि क्या होता है ना लोगों की नज़र भी बहुत लग जाती है, व्यूअर्स की ना लगे लेकिन यूट्यूबर की तो लग ही जाती है। तो इससे अच्छा है कि जो तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको इन सब चीज़ों से दूर ही रखो, जैसे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, आई बात समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट
आज किया मैंने एक फैसला, मुझे मेरी जो स्कूटी है करना था चेंज, और आजकल तो जमाना है इलेक्ट्रिक का, फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर, तो मैंने सोचा कि चलो जाके इसका एक्सपीरियंस करते हैं। और आजकल बच्चों की सोच बहुत ज्यादा एडवांस होने लगी है, क्योंकि मेरे दो यंगस्टर बच्चे हैं, तो उनकी सोच के साथ मैं सोच हमेशा रखती हूँ। और जैसे मैं वहाँ गई तो देखने के बाद तो मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी छोटी है। और जाने से पहले तो मम्मी ने मेरे से 100 सवाल किए थे, ये कैसी है, ये अच्छी है, ये किधर, ये क्या। ये मुझे मतलब मेरे से सवाल करने से बेटर है कि चलो मैं आपको शोरूम में ले चलता हूँ। और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने काफी अच्छे फीचर्स बताए, उसके सारी चीजें समझाई और बोला मैम एक टेस्ट ड्राइव भी कर लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आए। तो मैंने वहाँ पे की टेस्ट ड्राइव और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं पीछे बैठूं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हमेशा पीछे ही बैठ के जाती हूँ। अयूब भी रहते तो पीछे ही बैठे रहते। कैसा था आपका एक्सपीरियंस मम्मा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, पीछे बैठने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था, और पेट्रोल भी बचते है, पैसे भी बचते, तो उससे ज्यादा तो मजा क्या आने वाला। तो आंटी जी ने जो है आज लिया फिर से एक अहम फैसला, इतना फैसला आंटी जी लेती है, इतने फैसले तो हमारे इंडियन बजट के ऊपर जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट भी इतना फैसला नहीं लेते हैं, हमारे घर के माँ बाप भी हमारे लाइफ के ऊपर इतने फैसले नहीं लेते हैं, बच्चों के लाइफ के ऊपर, मैंने भी अपने बच्चों के लाइफ के ऊपर इतने फैसले नहीं लिए जितने आंटी जी ने अहम फैसला ले लिया है। और स्कूटी देखने के लिए, और स्कूटी देखने के लिए जो आंटी जी को जो है लोगों ने वहाँ का जो स्टाफ उसने फ्यूचर्स बताया, आंटी जी फ्यूचर्स नहीं वो फीचर्स होता है, तुमको कितनी बार बोला खाने और थुमका मारने और कपड़े के अलावा तुम एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लो, इतनी ही तुमको इंग्लिश अगर बोलने की शौक है। पता नहीं तुमने रियान इंटरनेशनल स्कूल में क्या पढ़ा है, मुझे तो लगा कि शायद तुमने रियान इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ी हो तो बहुत अच्छा खासा इंग्लिश बोलती होगी, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश देख के अब लगता है कि वो आंगनबाड़ी के बच्चे भी तुमसे अच्छा इंग्लिश बोल लेते होंगे। तो एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास जो है ना वो ज्वाइन कर लो तुम, महीना साल भर का होगा तो तुम्हारे लिए साल भर का ही होगा, क्योंकि तुम तो है छोड़ दो जान दो, तो उससे क्या होगा ना तुम्हारी इंग्लिश थोड़ा बहुत सुधर जाएगी। तो आज फिर से आंटी जी ने अहम फैसला लिया, तो एक फैसला आंटी जी तुम ये भी ले लो, आंटी जी मुझसे आ ही जाता है तरबियत अपब्रिंगिंग वो चेंज नहीं होता है, कि तुम जो है ना ये सोशल मीडिया में आके जो हफ्ते रहती हो ना, पहले तो इंस्टाग्राम पे रील्स के बहाने हफ्ती थी, यूट्यूब में वीडियो के बहाने हफ्ती थी, अब तो इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग के बहाने भी हफ्ती हो, तो तुम और तुम्हारा बेटा एक अहम फैसला ये भी ले लो कि तुम लोग जो है ना हमेशा के लिए जो है ना सोशल मीडिया छोड़ दो, ये सबसे अहम और बेस्ट फैसला होगा। और वैसे भी बूढ़े आने से पहले तुमने ये बोला भी था कि मैं कब आप लोगों की आंखों के सामने से ओझल हो जाऊँगी, पता ही नहीं चलेगा ऐसा वैसा। गुड़िया तो आंखों से ओझल होना तो दूर, तुम जो है ना छाती पे, हम सब व्यूअर्स के छाती पे सांप की तरह, नागिन की तरह एकदम लोट के बैठ चुकी है तू, यूट्यूब पे मिनी व्लॉग डाल दिए, फुल व्लॉग डाल दिए, रील्स डाल दिए, इंस्टा पे रील्स डाल दिए, मिनी व्लॉग डाल दिए, तो ओझल होने का नाम ही नहीं ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तू अगर मकल को मर भी जाएगी ना तो ख्वाब बन के हमारे जो है ना सपनों में आपकी मिनी व्लॉग हमको दिखाएगी कि कमर में मेरे को सांप ने ऐसे काटा, आज कमर में मेरे को बिच्छू ने ऐसे काटा, जहन्नुम में मेरे को जहन्नुम के आग में ऐसे डुबोया गया, ऐसे जहन्नुम के जूते पहनाए गए, ऐसे जहन्नुम के कपड़े पहनाए गए, तो तू ना हमारे ख्वाब में आके ऐसे ही मिनी व्लॉग हमको दिखाया करके, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इतनी आसानी से हो जाना, इतनी लिचल औरत है तो बसर बहन क्या बोलते उसको, भसल मुंडी औरत है ना तो, कि तू सोशल मीडिया में इतनी आसानी से जाने वाली है नहीं, क्योंकि तू खुद को दिखाती बहुत रिच है, बहुत पैसे वाली है, लेकिन तेरा असली धंधा ब्याज का ही है, और बलि का बकरा जो है ना बकरा फंसाना वही है, लड़के सप्लाई करना। अब बकरे तो तुझे मिल नहीं रहे बुढ़े के बाद से, एक आधा बकरा मिला होगा सूरत वाला, उससे भी तेरा कनेक्शन जो बुड्ढे ने कट ऑफ करवा दिया, और तेरे जो पैसे वो तब तेरे ख़त्म हो ही रहे हैं, क्योंकि जो तेरा छोटा वाला टकला है वही तेरा पैसा ख़त्म कर रहा है। अब तुझे सोशल मीडिया में ही कमाना, एक लौता अर्निंग बच गया तेरा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया तो इतने आसानी से छोड़ने वाली है नहीं। और क्या रे बुबले, तेरे को मना किया था ना मैंने स्कूटी चलाने के लिए, तूने फिर से स्कूटी चलाना, देख हवा के कारण तेरे जो उजड़ा हुआ चमन है वो फिर से खाली होगा, और तेरा जो कोथमीर का जो है ना झाड़ जो है ना वो उड़गा, फिर से तू अंकल जैसा दिखने लगा है, और फिर से तू इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने तो चला गया। इससे अच्छा एक काम कर, तो फेविक्विक से जो वो बाल विग लाया था ना वो फेविक्विक से अपने सर पे जो है ना तो चिपका दे, इससे क्या होगा बाल उड़ेंगे भी नहीं और तो अंकल जैसा भी नहीं दिखेगा, और तेरे छाती फिर से चौड़ा हो जाएगा, फिर से तो रात को साड़ियाँ पहन के और जो है ना चूड़ियाँ पहन के मुजरा करेगा। और वैसे भी तुम लोग के क्या ही कहने रहे बाबा रे बाबा, तुम लोग के पास इतने फालतू टाइम होते, दिन भर बस घूमते रहते हो, तो धूप ताप में लोग घर में बैठते हैं, ठंडी हवा में बैठते, अगर कामा नहीं होते तो हम जैसे गृहिणी हैं, हाउसवाइफ औरतें, हम भी इधर उधर नहीं जाते, हम जितना हो सकता है काम
खत्म होगा तो हवा में आके बैठ जाते, लेकिन तुम लोग इतने दिन भर घूमते रहते तो खाली पॉकेट का माँ बेटे के पास टाइम रहता है ना, और इतने एक दूसरे को तारीफ करते करते थकते भी नहीं है, दिन भर बस धूप में ही घूमते रहते हैं। और भाई धूप में घूम रहे तो मुँह में थोड़ा स्कार्फ वार्फ बांध ले, इतना धूप इतनी तेज़ी से आ रही कि हमारी चमड़ी तक जल जाती है, और ये छमिया बन के धूप में मुँह ढक लेगी तो ग्राहकों को कैसे फंसाएगी, वो रास्ते में आते जाते देखेगी तो किसी बुड्ढे का नज़र उसे पड़ेगा, तब जाके ना वो बलि का बकरा उसको फंसा पाएगी। हम अगर निकलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ हमारा थोड़ा सा खुला रहता है तो ये सब जलता रहता है, जैसे थोड़ा सा ये खुला रहता है तो, और ये पूरा अक्का मुँह खुल के ऐसे जाती है तो धूप में बबर बबा, उसके गाल वाल भी नहीं जलते रे बबल्ला रे अल्लाह। ये इसीलिए जाती है कि वो खुद का जवानी जो है वो बुड्ढों को दिखा सके और बुढ़ापे में मरते मरते थोड़ा और पैसे कमा सके ताकि अपना कफन भी खरीद सके। और इनके पास इतना फालतू टाइम होता है, दिन भर घूमते हैं और फिर बाहर का खाते, फिर बोलते हैं हम अनकॉन्शियस है, दिन भर घूमते हैं बाहर का खाते, फिर बोलते हैं हम अनकॉन्शियस है डायर का खा रहे हैं। हफ्ते में एक दिन खाना बनाएगी, वो भी रेसिपी के लिए बनाएगी, उसको दो दिन तक खाएगी और बोलेगी मोगो मोगो पीना है, हाँ मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, बहुत मेहनत का काम करने जा रही हूँ, और हम इधर दिन भर यहाँ पे चूल्हे पे मरते हैं यहाँ पे। अभी देखो धूप अभी उतरता हुआ धूप, इधर आपने तो देखा मेरे यहाँ पैर तक धूप आ रही, यहाँ पे भी देखो आप यहाँ पे भी धूप आ रही है। हम धूप में बैठ के बिना फैन के हम वीडियो बना रहे, हमको मेहनत का काम नहीं आता, मोगो मोगो भी नहीं खाते, क्योंकि क्या ना हलाल का खाते हम, अगर बैठ के वीडियो भी बना रहे ना, वीडियो का पैसा भी खा रहे ना, तो दम से बोल सकते हम मेहनत का खा रहे। अब जो जैसा बोलेगा हम तो बोलेंगे भाई तुम गलत करोगे, तो हम तो बोलेंगे भाई हमारे में भी कोई औरत गलत करेगी तो हम तो बोलेंगे भाई महल्ले में भी कोई औरत मुसलमान औरत ना, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया में करके बच गई। ऐसी औरत अगर महल्ले में रहती है ना जींस पहन के ऐसे इतना मोटा मोटा जी दिखा के अगर चलती ना तो महल्ले की औरत तो उसको मार। देखा आपने कैसे भरवा माँ को नचा नचा के पैसे कमा रहा है, इतना हिजड़ा लड़का। यूजुअली घर के मर्द जो होते हैं ना, जो बेटे होते हैं, अपनी माँ बहन बीवी का इज्जत का रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और ये इतना हरामी लौंडा, इसकी माँ भी हरामी और ये भी हरामी का जना, इतना हरामी सोशल मीडिया में माँ को नचवा के पैसे कमा रहा है। उसको मालूम है कि उसकी माँ की हरकतों से लोग इसकी माँ को कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। देखो इतने सारे सिगरेट का पैकेट आप लोगों ने देखा, भाई बुड्ढा तो है नहीं, महीनों से बुड्ढा है नहीं, ये बुड्ढा गायब है, ईद मना के जो गया वो गया, आया बीच में एक दो दिन के लिए फिर गायब होगा। भाई इतने सिगरेट्स का पैकेट किसके लिए है फिर, आप बताओ ना मुझे, बुड्ढा तो घर में है नहीं तो इतना सिगरेट्स के पैकेट्स कौन पीता है, इतना सिगरेट्स का पैकेट, वो भी जुम्मे के दिन, कहाँ उसको नमाज वगैरह अदा करना चाहिए। ये काला आप पहले तो बोलते थे मैं व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के मैं ये जुम्मे के दिन व्हाइट कलर का, पूरी फैमिली व्हाइट कलर ऐसा वैसा, अब देखो ब्लैक कलर का शर्ट पहन के और पिछवाड़ा टाइट जींस पहन के सिगरेट का पैकेट दिखा के जो है ना माँ और बेटे जो है नाच रहे, बेटा भी माँ को नचवा रहा है, उसको लग रहा है बड़ी कॉमेडी वाली रील बना रही, लेकिन उसको ये नहीं पता कितनी गंदी, और उसको पता भी होगा ना, मुझे लगता है कि राखी सावंत पार्ट 2 है, उसको कॉन्ट्रोवर्सी में रहना और कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करके पैसे कमाना उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके लिए ना हमारे लिए जल ही जीवन होता है, उसके लिए पैसा ही जीवन होता है, नो डाउट पैसा जिंदगी में जीने के लिए चाहिए होता है, बट ऐसा पैसा किस काम का जिसमें कोई इज्जत ही ना हो, ऐसा कपड़े किस काम के जो तुम्हारे आँख ढकने की वजह तुम्हारे आँख के बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो शो करे, वेस्टर्न कपड़ा जिनको अच्छा लगता है बॉडी में वो पहनो, तुमको अच्छा नहीं लगता तुमको साड़ी और सलवार ही अच्छा लगता है तो वही पहनो ना। अब अभी कब्र में जाने का टाइम है, अभी बेटों को दुल्हन लाने का टाइम है, खुद सारा बार दुल्हन बन के घूम रही है, उसका दुल्हन बनने का एक्सपायरी डेट आया ही नहीं है, दूल्हे उसके ले जाने कितने आए और चली भी गई, एक रात की दुल्हनिया बन के ये सदाबहार दुल्हनिया बनती है बाबा। तो चलिए आज का ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।